कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से म्यूटेशन की क्षमता ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। वहीं वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि इस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन बेअसर हो सकती है। चलिए जानते हैं मौजूदा कोरोना वैक्सीन कौन सी है और इसका इस नए वेरियंट पर क्या असर होगा। WHO ने अब तक कोरोना की 8 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसमें मॉडर्ना और फाइजर मैसेंजर RNA यानी कि mRNA पर आधारित है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन वायरल वेक्टर पर आधारित है। वहीं कोवैक्सीन सिनोफॉर्म और सिनोवैक कोरोनावैक इनएक्टिवेटेड वायरस से बनी वैक्सीन है। ओमिक्रॉन में बहुत तेजी से म्यूटेशन होने की वजह से आशंका जताई जा रही है कि मौजूदा वैक्सीन इस पर असरदार नहीं होंगी। यही बात मॉडर्ना ने भी की है। दरअसल ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इंसान की कोशिकाओं में घुसने के रास्ते को खोलता है। वैक्सीन इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर शरीर को लड़ने की क्षमता देती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में इतने ज्यादा म्यूटेशन की वजह से स्पाइक प्रोटीन की रूपरेखा बदल गई है, जिससे चांसेस है कि मौजूदा वैक्सीन इस पर असरदार नहीं होगी। अब ओमिक्रॉन के हिसाब से वैक्सीन की डोज बनाने में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कई महीने लग सकते हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में यदि और भी बदलाव आते हैं तो इसे बाद में मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। फिलहाल मॉडर्ना ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इस नए वेरिएंट की वैक्सीन साल 2022 के शुरुआती महीनों में आ सकती है। वहीं फाइजर ने भी जरूरत पड़ने पर ओमिक्रॉन के खिलाफ नई वैक्सीन को 6 हफ्तों में बनाने की बात कही है। फिलहाल इस नए वेरिएंट से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हम मास्क पहने और कोरोना के नियमों का पालन करें। ऐसे ही और भी खबरों से जुड़े रहने